हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज बात करेंगे जेट बीएचयू आईसीआर जेआरएफ एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों आज एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चंस है और बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस है और दोस्तों ये पार्ट फोर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो एग्रीकल्चर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत में पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? तो दोस्तों जो भारत में पशु गणना की जाती है वो की जाती है 5 वर्ष के अंतराल में, 5 वर्ष के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर टू, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का प्रमुख योगदान है? तो दोस्तों राजस्थान में भेड़ जो है उसका प्रमुख योगदान है, भेड़ का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। क्वेश्चन नंबर थ्री, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? तो दोस्तों राजस्थान में जो पशु घनत्व है वो है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान में पशु घनत्व। और दोस्तों बात करें सर्वाधिक पशु घनत्व की, तो दोस्तों सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में दोस्तों 309 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों बात करें सबसे कम न्यूनतम की, तो दोस्तों वो है जैसलमेर में, जैसलमेर में दोस्तों 74 पशु वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर, राजस्थान में बकरी विकास केंद्र स्थित है? दोस्तों राजस्थान में बकरी विकास केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों है रामसर, दोस्तों रामसर अजमेर, अजमेर में बकरी विकास केंद्र स्थित है। और दोस्तों बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की CGRI की, तो दोस्तों ये जो स्थित है ये मखदूम मथुरा में, मखदूम मथुरा यूपी। क्वेश्चन नंबर फाइव, खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है? दोस्तों खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो दोस्तों वो है फ्लोएम। दोस्तों बात करें अगर जल की जल को कौन पहुंचाता है, तो दोस्तों जल को पहुंचाता है जाइलम, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है? दोस्तों जो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो दोस्तों वो बनी होती है काइटीन, काइटीन की बनी होती है दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर सेवन, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो दोस्तों जो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है वो है थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर एट, पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों जो पारिस्थिति को सबसे पहले बताया था वो बताया था एजे टेंसले, एजे टेंसले। क्वेश्चन नंबर नाइन, जिब्रेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया? दोस्तों जो जिब्रेलिन है सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया? तो दोस्तों एक कवक से प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर टेन, फूल का नर जननांग कहलाता है? तो दोस्तों जो फूल का जो नर जननांग है वो कुमंग कहलाता है, इसको इंग्लिश में एंडोसियम बोलते हैं दोस्तों, एंडोसियम। क्वेश्चन नंबर इलेवन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कौन से प्रकाश में होती है? तो दोस्तों ये होती है बैंगनी प्रकाश में। और दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा की, तो दोस्तों सबसे ज्यादा होती है लाल प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, तने की वृद्धि दर मापी जाती है? दोस्तों तने की वृद्धि दर कौन से मीटर से मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया? दोस्तों तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो दोस्तों है बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस मेगाथीरियम।
क्वेश्चन नंबर 14, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, दोस्तों जो जड़ की कोशिका में जो लवक होता है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पुराना फल, दोस्तों सबसे पुराना फल कौन सा है, तो दोस्तों वो है खजूर, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां पर स्थित है, दोस्तों जो भारतीय गन्ना शोध संस्थान है ये है लखनऊ में, लखनऊ। और दोस्तों बात करें केंद्रीय आलू शोध संस्थान की, तो दोस्तों ये स्थित है शिमला में, आलू का केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। और दोस्तों बात करें केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की, तो दोस्तों ये स्थित है राजमुंद्री, राजमुंद्री तंबाकू केंद्रीय है दोस्तों दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों वो है काली मिट्टी, काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी का स्थानीय नाम है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, धान के लिए उत्तम तापमान होता है, दोस्तों धान की फसल के लिए उत्तम तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, चिपको आंदोलन का संबंध है, दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो दोस्तों है वृक्षों की कटाई से, वृक्षों की कटाई, दोस्तों वृक्षों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहां पर है, तो दोस्तों जो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं बायोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, दोस्तों ये बायोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईसीआर, जेआरएफ, बैंक आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, राइबोसोम। और दोस्तों राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग भी है, तो दोस्तों इसको सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में औसत कोशिकाओं की संख्या, तो एक मानव के शरीर में औसत कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों होती है 5000 अरब। क्वेश्चन नंबर 3, गुणसूत्र की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, तो दोस्तों जो गुणसूत्र की खोज की है वो की है ओल्डेयर, ओल्डेयर। नंबर 4, जीन शब्द का प्रतिपादन, दोस्तों जीन शब्द का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया है, तो दोस्तों किया है जॉनसन। और दोस्तों जीन आनुवांशिकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटा पुष्प, तो दोस्तों जो सबसे छोटा पुष्प है वो है बुल्फिया, बुल्फिया। तो बात करें सबसे बड़े पुष्प की, तो दोस्तों है रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटा बीज, दोस्तों सबसे छोटा बीज किसका होता है, तो दोस्तों होता है आर्किड, आर्किड का। क्वेश्चन नंबर 7, एक मनुष्य के शरीर में औसत रक्त, दोस्तों एक मनुष्य के शरीर में औसत रक्त कितना होता है, तो दोस्तों होता है 5 से 6 लीटर, 8, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, तो दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, दोस्तों शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है फिला को, तो दोस्तों शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है फिला। क्वेश्चन नंबर 10,
रक्त का पीएच कितना होता है? दोस्तों रक्त का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच होता है 7.4। कहने का मतलब सार ये। क्वेश्चन नंबर 11, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो दोस्तों जो प्रोटीन का पाचन होता है ये होता है आमाशय में। और दोस्तों जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसका पाचन होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 13, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ये, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है? दोस्तों मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो दोस्तों वो बनता है 1.5 लीटर। और दोस्तों बात करें लार की, तो दोस्तों लार बनती है 1 से 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों वो है अग्नाशय। और दोस्तों बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की मानव शरीर की, तो दोस्तों वो है यकृत। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक में रक्त को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? दोस्तों रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 17, हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? तो दोस्तों हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है युग्लिना, युग्लिना को। क्वेश्चन नंबर 18, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों जो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है वो किया है रिटर ने, रिटर। क्वेश्चन नंबर 19, शहद का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 20, मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, किस मृदा में अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? बलुई मृदा की, चिकनी मृदा की, दोमट बलुई मृदा की, दोमट मृदा की। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की कि उसका आंसर किस किसने दिया है और उसका सही आंसर क्या था। कौन सी फसल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर था डी, बी और सी, धान व गन्ना। दोस्तों धान व गन्ना दोनों ही नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती है। दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया है उनका नाम है सुमित्रा बढ़िया सर, आलोक कुमार, अनुज मौर्य, पार्वती कुमावत, सुरेश मीना। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आप अगर यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो तो दोस्तों नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है उसको दबाकर यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों आपको अगर मुझसे बात करनी है तो दोस्तों आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो कैप्टन एग्रो को, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।